बाधा करें। ये सिंपल अवेयरनेस है, मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाऊं। राम लास्ट वन मंथ मैं 350 सोता हूं बिकॉज आई हैव टू केयर। 11 बजे एक बार का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है, तो वो क्या होता है कि जो मुझे लगता है जितना आप ताजा हो 8-8, 10-10 घंटे सुन के आ गए। ट्राई किया मैंने यूट्यूब से, ट्राई किया तो 2-3 बार मैंने घर वालों को बोल दिया ये भी कोई गेम है, तो जो बहुत ज्यादा सर्च किया यहाँ पे कहीं जगह उसका कुछ है ही नहीं कंसेप्ट। मेरे बहुत सारे टीचर्स और मैंने अपने गांव से पर बैठा है उनसे जाके मिलो। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपके कम से कम 20-25 कोर्स को ऑर्गेनाइज किए गए। कंसेप्ट आता है बायोलॉजी में, अगर आप जानते हो कंसेप्ट का नाम है डेंड्राइट स्प्राउटिंग, सुना है कभी? और यहाँ पे जो प्रोग्राम ही है शोपियान लिटरेचर फेस्टिवल, लिटरेचर को अगर आप एजुकेशन के डोमेन से देखेंगे तो एजुकेशन इनकम्प्लीट है, अगर आप एजुकेशन को एजुकेशन के डोमेन से देखेंगे तो एजुकेशन कम्प्लीट है। और पढ़ने के साथ साथ जो है हमें खेल कूद भी जरूरी है, यह हमें सिखाया गया है अंदर। पद्मश्री अवार्ड होल्डर है तो उसने स्पोर्ट्स की अहमियत के बारे में बताया, लेकिन गेम्स ऐसे नहीं होने चाहिए। आप मोबाइल गेम्स पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, गेम्स हो आउटडोर, यानी कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, यानी कि आपको क्रिकेट खेलना। 15 गढ़वाल रैफल के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम आज मुनाकत किया, और उनके हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। पढ़ने के साथ भी खेल कूद कबड्डी हो, स्पोर्ट्स का कोई भी गेम हो, जो भी कोई गेम है दुनिया की, उस हिसाब से इन लोगों को मौका मिलेगा, हमारे बच्चों को मौका मिलता है खेलने का। अगर इन लोगों को ऐसे ऐसे प्रोग्राम करवा के अवेयरनेस करवाया जाएगा, बाकी जितनी भी नशे की लत है उससे भी ये लोग बच सकते हैं।